एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जैसे को तैसा। भारत ने डबल झटका दिया है चाइना को और दोनों ही झटका अरुणाचल प्रदेश में दिया है। चाइना ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। चाइना एक बड़े प्लान में था लेकिन उसके प्लान को भारत ने बुरी तरीके से फेल कर दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल हैरान हो गया है क्योंकि चाइना का कनेक्शन निकल कर सामने आया है। आखिरकार इजराइल और इजराइल के साथ पश्चिमी दुनिया इतना ज्यादा हैरान क्यों हुए हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशन तो शुरू कर दिया है लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ना उसे ये देखने को मिल रहा है कि हिजबुल्ला की तरफ से भी पलटवार हो रहा है इजराइल के ऊपर। और ये भी देखने को मिल रहा है कि करीब एक महीना होने को है लेकिन हिजबुल्ला पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? तो पहले ये अंदाजा लगाया गया कि इसके पीछे ईरान वजह है। ईरान लंबे समय से हिजबुल्ला के लड़ाकों को धन, हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है। अब इजरायली नौसेना के अधिकारियों ने जो सूचना दी है उससे इजराइल के होश उड़े हुए हैं। इजरायली नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्ला के पास अभी भी एक सक्रिय नौसेना शाखा है जिसके पास एंटी शिप मिसाइलें हैं और माना जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं नेवी की। हिजबुल्ला की इसी ताकत का डर इजराइल को सता रहा है। पिछले एक दशक से इजरायली सुरक्षा बल यानी कि IDF ने हिजबुल्ला की नौसैनिक क्षमताओं पर बारीकी से नजर रखी लेकिन देखा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, ये कहा गया कि रूस के हथियार तो इनके पास मिले थे तो ये समझ में आया था कि रूस के हथियार इन तक पहुंच रहे हैं, या तो ईरान के जरिए पहुंच रहे हैं या डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, जैसे भी पहुंच रहे हैं। ये ऐसा भी माना गया कि ईरान की मदद से हिजबुल्ला ने कुछ इस तरीके का क्रिएट किया है। पर जब नौसैनिक की बात आई तो इनके कान खड़े होने लगे। पहले इनको लगा कि शायद यहाँ पर ईरान की मदद से ये अपनी नौसैनिक यूनिट को तैयार कर रहे हैं। हिजबुल्ला की नौसैनिक यूनिट छापा और युद्धपोत पर हमला करने का क्षमता रखते हैं। इनके पास एडवांस मिसाइलें भी हैं, रडार भी हैं, जिस वजह से इनको टेंशन होने लगी। इजरायली नौसेना के अधिकारियों का मानना है कि IDF के सतर्कता के कारण लेबनानी जल क्षेत्र के पास हिजबुल्ला अचानक से नौसैनिक हमला नहीं कर सकेगा। लेकिन 2006 में ही हिजबुल्ला ने एक मिसाइल का इस्तेमाल किया था C-802, तब ये समझ में आया था कि इनके पास कुछ ना कुछ है। और अब जाकर ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा उन्नत कर लिया है। लेकिन जो खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट दिया है और उन्होंने कहा है कि इनके पास ऐसी मिसाइल है जो बहुत ऊंचाई से आते हैं, जहाज को एक तीव्र कोण बनाकर हमला करता है। उन्होंने बताया कि इससे आयरन डोम ही निपट सकता है। ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि इस तरह की मिसाइल चाइना के पास है और हो ना हो चाइना ने ये टेक्नोलॉजी दे दी है ईरान को और ईरान से फिर ये टेक्नोलॉजी हिजबुल्ला को हासिल हुई हो। खैर, वैसे आपको बता दूं, इस वक्त सियाना बन रहा है चाइना और चाइना ने यहाँ पर दोनों से बातें भी करनी शुरू कर दी है। चाइना के टॉप डिप्लोमेट ग्लोबल टाइम्स की खबर देख सकते हैं जिसमें फोन कॉल पे बात कर रहे हैं इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से, ईरान से, और शांति सुलह कराना चाहते हैं। भैया शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो, देखो मेरा भी माल अटका पड़ा है, ईरान से ही तो मेरा सारा तेल आता है, तुम अगर वहाँ कुछ एक्शन ले लोगे तो मेरा तो तेल का खेल बिगड़ जाएगा। पर यहाँ पर मामला सलटाने की कोशिश कर रहा है चाइना शांति दूत बनकर। हालांकि आपको बता दूं, शांति दूत से याद आया, चाइना का पीस कीपिंग फोर्स यूनिट भी है लेबनान में और चाइना ने अभी कहा है कि हमारा यूनिट तो सेफ है लेकिन इजराइल जो ये UN के पीस कीपिंग फोर्स पर हमला कर रहा है ये कुछ ठीक नहीं है। हालांकि पीस कीपिंग के मुद्दे पे तो फ्रांस ने भी कहा था इजराइल को कि तुम भूलो मत, UN के ही वजह से तुम बनाए गए हो और आज तुम UN के ऊपर ही इस तरीके से कर रहे हो, ये गलत है, UN की अवहेलना कर रहे हो, उसकी बात नहीं मान रहे हो। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है वहीं दूसरी तरफ चाइना को डबल झटका दिया है भारत ने। पहला झटका, स्क्रीन पर कुछ तस्वीर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ समारोह मनाया जा रहा है और इस समारोह में बहुत सारे लोग शामिल हैं। यहाँ पर एक समारोह मनाया गया बैटल ऑफ वोलंग को याद करके। क्या है ये
चाइना के साथ 1962 का जो युद्ध हुआ था इस एरिया में, उसे याद करके यहाँ मनाया गया। यहाँ के लोकल लोगों को, जिन्होंने सेना की मदद की थी और भी कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था, इन्हें सम्मानित भी किया गया। 60 साल पहले 1962 में भारतीय सेना ने वोलोंग की लड़ाई में जो चीन के खिलाफ अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था, उसे आज याद किया गया। शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारत ने जब ये लड़ाई लड़ी तो भारतीय सेना के पास गोला बारूद कम थे, उनके पास मशीन गन थे, कई तरह के हथियार थे, भारतीय सेना के पास सिर्फ एक राइफल्स थे, और ऐसे में भी चीन के 5000 सैनिकों को भारत के कुछ 100-200 सैनिकों ने 27 दिनों तक रोके रखा था। वोलोंग का ये युद्ध बहुत ही खतरनाक युद्ध था, जिस युद्ध में भारतीय सेना ने अपने सबसे बड़े साहस का परिचय भी दिया था। इसके 62वें समारोह में यहाँ पर आम लोगों को शामिल किया गया। यहाँ मोटरसाइकिल रैलियाँ निकाली गई, साइकिल रैलियाँ निकाली गई, युद्ध क्षेत्र की ट्रैकिंग की गई। इस समारोह का शुरुआत कर दिया गया है और ये समारोह का समापन होगा 14 नवंबर 2024 को। ये एक बहुत अच्छी पहल है अरुणाचल के लोगों को भी जोड़ने का और अरुणाचल को याद दिलाने का कि देखो आपने भी यहाँ पर साहस का परिचय दिया था। चाइना की नज़र अरुणाचल के ऊपर है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत ने पहला झटका यहाँ पर दिया है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। इस मैप से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चाइना का ना युद्ध लड़ने का तरीका एकदम अलग है। अभी हाल में चाइना ने एक हरकत की थी और इस हरकत की वजह से इंडोनेशिया, वियतनाम सारे परेशान हो गए थे। यहाँ पर इस मैप में आपको दिख रहा है एक नदी, ये नदी चाइना से होते हुए ये भारत में घुसता है। चाइना ना कहें, तिब्बत वाला इलाका कहें तो ये बहुत ही ज्यादा सही होगा। तिब्बत के इस इलाके से ये घुसता है और फिर आप देखेंगे ये जो नदी है 2-3 हिस्सों में बढ़ जाती है और बढ़ते हुए कुछ बांग्लादेश की तरफ चला जाता है, फिर ज्यादा मोटा हिस्सा आप देखेंगे भारत में होते हुए फिर बांग्लादेश के अंदर ये जाता है। ये जो ज्यादातर हिस्सा है, ये ज्यादातर हिस्सा पानी का भारत में ही सप्लाई होता है। इस मैप से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत के बहुत बड़े एरिया में ब्रह्मपुत्र का अच्छा खासा बहाव होता है। चाइना ये सोच रहा है कि यहाँ पर एक डैम बना दूं और एक ऐसा डैम बना दूं जहाँ पानी भी स्टोर हो और 66,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो। जब मेरा मन करे यहाँ पर बाढ़ लाने का तो पानी छोड़ दूं और बाढ़ आ जाए, भारत बांग्लादेश दोनों ही प्रभावित हो जाए और कुछ इसी तरीके से मैं कंट्रोल करके चलूं, पानी को हथियार बना लूं और हथियार की तरह काम करूं। ऐसा हाल में मेकोंग रिवर में करा है चाइना ने। तो उसके रिकॉर्ड को देखते हुए भारत ने क्या सोचा है, भारत ने भी यहां पर एक बड़ा डैम बनाने का सोचा है। माना जा रहा है कि भारत यहां कई डैम बनाएगा ताकि एक तो ऐसे समय में जब सप्लाई हो भारत स्टोर करके पानी रख सके, और अगर अचानक से चाइना छोड़ दे पानी तो भी भारत बाढ़ वाला सिचुएशन पैदा न होने दे। इसके लिए भारत बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है चाइना के पूरे प्लान को फेल करते हुए। वैसे आपको क्या लगता है, अरुणाचल प्रदेश में भारत ने ये जो शुरुआत करा है ये सारी चीजों का, ये सही है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।